हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडेज क्लास को क्लास सेवन स्टैंड सब्जेक्ट है आपका साइंस। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर जो फोर है आपका, पहले से ही आपका कंटिन्यू चल रहा था और उसमें एक टॉपिक्स है वो रिमेन था, वो है सेरिकल्चर। तो टुडेज हम बात करेंगे सिर्फ सेरिकल्चर के बारे में। तो देखो सेरिकल्चर होता क्या है, मैंने आपको पहले क्या एक्सप्लेन कर चुका है, ठीक है। सिल्क बॉम एक वो होता है जो कि क्या करता है, मलबरी लीव्स को ईट करता है एंड देन वो मलबरी लीव्स को ईट करके अपना जो प्रोसेस है उसके द्वारा वो अपने को क्या करता है, सिल्क प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो आज हम उसमें देखेंगे, तो देखते हैं पॉइंट, लेट अस स्टार्ट पेज नंबर 41। सेरिकल्चर द ब्रीडिंग ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द सिल्क फॉर्म और द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क इज नोन सेरिकल्चर। यानी सेरिकल्चर क्या होता है, सेरिकल्चर यही होता है, यानी कि ब्रीडिंग होना किसका, सिल्क फॉर्म का एंड उसका प्रोडक्शन होना, वही क्या है सेरिकल्चर जो है आपके पार्ट है इसमें आप पढ़ते हो। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिल्क, हमारे पास बहुत सारे टाइप के सिल्क होते हैं जो मैंने आपको नेक्स्ट आपकी प्रीवियस क्लास थी उसमें बताया था, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका अलग टेक्सचर होता है, टेक्सचर के कारण उनकी जो क्वालिटी है वो डिफरेंट होती है। जैसे टसर सिल्क है, मूंगा सिल्क है, कोसा सिल्क है, ये तीन टाइप के सिल्क जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और द मोस्ट कॉमन सिल्क मोड इज द मलबरी सिल्क मोड, यानी सबसे जो कॉमन जो सिल्क होता है वो मोड सिल्क होता है जो मलबरी लीफ से मिलता है हमें, ठीक है। द सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ऑफ द वेरी गुड क्वालिटी। अब देखो इसका प्रोसेस क्या होता है, किस टाइप से बनता है, तो हम उसको अच्छे से देखेंगे। तो ध्यान से आपको देखना है, तो देखो एक फीमेल सिल्क मोड लाइज डेड ऑफ द एग्स एट ए टाइम, यानी कि एक फीमेल जो सिल्क बॉम होती है एक टाइम पे हंड्रेड्स के करीब का देती है, अंडे देती है। उसके बाद में दीज एक्स आर द बॉम टू द टेम्परेचर सुटेबल टू द हैचिंग, ठीक है। और इसको हम टेम्परेचर जो है क्लाइमेट टेम्परेचर प्रोवाइड होता है, जिसके बाद में ये क्या है इनका जो अंडे है उनसे बाहर क्या लगते हैं, बॉम निकलते हैं। दिस इज नोज द इनकुबेशन, इनकुबेशन का मतलब है अंडे से हैचिंग होना, यानी अंडे से बाहर निकलना। After hatching the silk worm are fed on the freshly chopped mulberry leaves, निकलते हैं उसके बाद में mulberry leaves को feed करते हैं। For 6 weeks the worms are eat almostly continuously and the increasing size, 6 वीक तक वो continuously क्या करते हैं, eat करते रहते हैं और अपनी size को increase करते हैं, यानी कि बढ़ते हैं। At the end of this period they are ready to spin their cocoons, और वो अपने cocoons को spin करने के लिए ready हो जाते हैं, यानी कि जो अपनी मुँह से जो लार निकालते हैं जिसको अपने चारों तरफ स्पैन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज ऑफ्स आर प्लेस्ड इन देयर रियरिंग हाउसेज एंड द बॉम्ब्स फ्लाइंग दीज ब्रांचेज एंड द मेक अ कोकून आउट ऑफ द कंटिन्यूस थ्रेड्स, यानी कि जब वो तैयार हो जाते हैं उनको हम क्या करते हैं, जो मलबरी लीव्स है उसके पास वो छोड़ देते हैं ताकि वो अपना मांस ईट कर सके और अपना जो है प्रोसेस को कंप्लीट कर सके और आगे बढ़ा सके। दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग ऑफ द कोकून। अब उसके बाद में क्या, कोकून जो बन जाता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, देन उसको स्पिनिंग के लिए भेज देते हैं। द अमाउंट ऑफ यूजेबल सिल्क ईच कोकून इज द स्मॉल, ध्यान देना हर कोकून से जो सिल्क का अमाउंट हमें मिलता है वो बहुत छोटी क्वांटिटी मिलता है, ठीक है। सिल्क जो कपड़ा है वो इसलिए तो ज़्यादा महंगा होता है, क्यों, क्योंकि इसका प्रोडक्शन कम होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सिल्क बॉम जो है पालने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करें तो हमें बहुत कम मिलता है। तो देखो 5500 जो सिल्क बॉम होते हैं ना वो एक किलो सिल्क के लिए जरूरी होते हैं, यानी कि 5500 यानी 5500 इतने सारे सिल्क बॉम जब एक साथ काम करेंगे दैन हमें एक किलो सिल्क प्रोवाइड होगा, यानी कि मिलेगा, सोचो बहुत ज़्यादा है ना। तो आफ्टर ऑल द कोकून्स हैव बीन गैदर्ड, यानी सभी कोकून्स को हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, एंड द इनिशियल स्टेप इज द सिल्क मैन्युफैक्चरिंग द पिल ऑफ द इंसेक्ट साइड ऑफ डैम, यानी कि जो मोल्ड होता है ना जिसके चारों तरफ तो क्या है सिल्क जो है लपटा हुआ होता है, एंड जो अंदर का जो कोकून होता है उसको उसमें जो वो कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म उसको क्या है किल किया जाता है, खत्म किया जाता है। थस द कोकून्स आर फर्स्ट बॉइल्ड टू द पिट इन ओवन्स, यानी कि उसको क्या है पानी में उसको बॉइल किया जाता है ताकि वो अंदर का जो सिल्क वॉर्म है वो खत्म हो जाए। किलिंग द इंसेक्ट बाय हीट से भी इसको क्या कर सकते हैं किलिंग कर सकते हैं। द सिल्क फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स बाय द डेलिकेटेड प्रोसेस और रीलिंग, यानी रीलिंग क्या होती है, रीलिंग वो प्रोसेस होती है जिससे कि हम सिल्क को क्या करते हैं कोकून के हेल्प से हम सिल्क को बाहर करते हैं फिर आउट करते हैं फिर अलग करते हैं, ठीक है। और द कोकून्स जो होते हैं
कॉकल्स आर फर्स्ट हीटेड इन द बॉइलिंग वाटर, सबसे पहले इसको क्या करते हैं बॉइलिंग वाटर गर्म पानी में हीटेड, गर्म पानी में इसको बॉइल करते हैं ठीक है। और Sometimes that hold the cocoon filament in place after this heating the filaments from 4 to 8 cocoons are joined that to state. उसके बाद में जो हमें सिल्क मिलता है उसके जो फिलामेंट्स होते हैं उसके जो तंतु होते हैं उनको हम क्या करते हैं मतलब चार जो मोड से निकला हुआ जो आपका सिल्क होगा उनके तंतुओं को आप उसमें ज्वाइंट कर देते हैं। दिस इज द कॉम्बाइंड विद नंबर ऑफ द अदर सिमिलर ट्विस्टेड फिलामेंट, मतलब आपस में उनको ज्वाइंट कर देते हैं। मेक इट क्लियर टू दैट इज द बाउंडेड ऑन ए रील, यानी कि रील में एक धागा मतलब थियर जैन धागा के रूप में बनाने के लिए उनको बाउंड करना पड़ता है। आगे बताया रिजल्टिंग थियर्स इज कॉल्ड रॉ सिल्क, उसके बाद में जो हमें जो कुछ थोड़ा बहुत सिल्क मिलता है उसको हम रॉ बोलते हैं। रॉ में कच्चा सिल्क होता है वो क्योंकि वो अभी पूरी तरह से बना हुआ नहीं है। इट इज वोवन इनटू सिल्क बाय द वीवर्स ठीक है। और इसको हम वोवन नेक्स्ट जो वीविंग प्रोसेस होता है जिसमें वोवन किया जाता है ठीक है। और फिर वहाँ पे इसके जो है यार्न यानी धागे बनाए जाते हैं। अब देखो ये तो आपका प्रोसेस हो गया सिल्क का एंड सिल्क बॉम का जो कैसा प्रोडक्शन होता है क्या होता है सिल्क कितने टाइप के होते हैं कौन सा सिल्क ज़्यादा क्वांटिटी में चलता है ठीक है। और सिल्क जो है मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों होता है इस बारे में आप पढ़ चुके हो है ना। और सिल्क की क्योंकि सिल्क की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होती है। अब हम देखते हैं हेल्थ कंडीशन ऑफ द वर्कर्स इन द पूल एंड सेरिकल्चर इंडस्ट्री, यानी कि सेरिकल्चर से रिलेटेड जो भी आदमी है जो भी इंसान इससे जुड़े हुए हैं या फिर ऐसी जो फैक्ट्री या कंपनियां उनमें जो काम करते हैं ठीक है, देन वहाँ पर उनका हेल्थ जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है आपको पता है कि देखो चलो देखते हैं। वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस ऑफ द सेरिकल्चर इंडस्ट्री आर एडवाइजली अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ डिजीज, यानी कि जो वर्कर्स इन कंपनियों में या फिर इन डिपार्टमेंट्स पे काम करते हैं उनको पहले से ही इस चीज़ के बारे में बता दिया जाता है कि आपको जो है कौन कौन सी बीमारियों का आप शिकार हो सकते हो या फिर आपको इन बीमारियों से बचने के लिए आपको किस प्रकार किस जो जिससे फील्ड है उसमें आपको वर्क करना होगा। तो देखो एक तो है फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं शॉर्टर डिजीज, शॉर्टर डिजीज क्या है देखो पीपल वर्किंग इन द वूल इंडस्ट्री समटाइम्स गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरियम बाय द एंथ्रेक्स, यानी एंथ्रेक्स नाम पे बैक्टीरियम होता है हाँ एंथ्रेक्स बीमारी हो सकती है, यानी कि वो किसी बैक्टीरिया वगैरह से क्या हो सकते हैं अफेक्टेड हो सकते हैं। और इट लीड्स टू द फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड शॉर्टर डिजीज, तो एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है इसको क्या बोलते हैं शॉर्टर डिजीज जो है मानते हैं ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी कि आपको श्वसन से संबंधित आपको बीमारी हो सकती है कैसे देखो इनहेलेशन ऑफ द वेपर्स अराइजिंग फ्रॉम द कोकून्स अंडर गोइंग स्टीमिंग, यानी कि जब हम सांस लेते हैं ठीक है, मान लीजिए हमें कुछ कोकून्स वगैरह के जो है वो हमारे अंदर इनहेल हो जाते हैं ठीक है। कुकिंग एंड द रेनिंग प्रोटेशन ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, और जब हमको मान लीजिए ब्रेथ हम जब करते हैं अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है जैसे अस्थमा वगैरह है एंड अदर ठीक है क्रॉनिकल एलिमेंट्स हैं ठीक है, तो ये मतलब ब्रीथिंग का जो है संबंधित जो ब्रीथिंग से रिलेटेड जो है डिजीज का होना भी हो सकता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में इन बीमारियों के बारे में सबको अवगत कराया जाता है ताकि सब सिक्योर रहें और अपने आप को बचा सकें। आगे देखो इसके पीछे एंड अदर स्किन इन्फेक्शन, हाँ वेरी गुड, इन्फेक्शन भी हो सकता है इसमें स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है कैसे देखो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना रेलिंग का, रेलिंग ऑफ द बॉइलिंग ऑफ द कोकून्स इन वाटर टू किल द जर्म्स सॉरी वर्म्स, यानी कि जब हम कोकून को वाटर में बॉइल करते हैं ठीक है तो हमें उस टाइम पे उसके जो बम्स रहते हैं ठीक है वो हमारे हाथ वगैरह पे लग जाते हैं जिससे हमें कुछ खाज खुजली वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो एज ए रिजल्ट क्या होता है कस्टम डिपिंग इन द बॉइल वाटर द स्किन ऑफ द वर्कर्स बिकम रॉ एंड द ब्लिस्टर्स, यानी उनकी स्किन जो होती है क्योंकि वो सारे दिन पानी में काम करते हैं ना, पानी में उनको डालेंगे फिर उनको ठंडा होने के बाद उसको निकालेंगे करेंगे तो उनकी स्किन से उस पर ब्लिस्टर्स हो सकते हैं एंड या फिर जो है रिजल्टिंग इन द पेलिंग ऑफ द स्किन ऑफ हैंड्स एंड द फिट, और हाथ और पैर पर जो स्किन होगी ठीक है वो एक तरह से पील हो जाएगी, पील मतलब छिलके के रूप में उतर भी सकती है ठीक है, ऐसा होता है खास मछली में यही होता है ठीक है। तो इन सभी से मतलब हम जो इन वर्कर्स हैं उनको किस प्रकार प्रिवेंट लेना है या फिर उनसे किससे इन्फेक्शन के अफेक्शन से कैसे इनको बचना है तो ये सभी बातें उनको बताई जाती है। और आज ये जो इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल हैजार्ड,
ठीक है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट जो आपको टेबल दे रखी है 4.2, इसमें देखो आपको कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है क्रॉस की और ऑब्जर्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो ये जो है आपको अच्छे से इसमें रीड कर लेना है 4.2 को, और ये आपका चैप्टर आज फिनिश होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ का आपको, ठीक है, वो आपके नेक्स्ट क्लासेस से पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको ये चैप्टर जो है स्टार्ट से आपको अगेन क्या करना है, रीड करना है, क्योंकि काफ़ी दिन पहले ये चैप्टर पढ़ाया था, ओके। एंड इसको टेबल है, इसको देख लेने के बाद लर्न कर लेना, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।